अस्सलाम वालेकुम जी अमर की दुनिया, क्या हालचाल पे? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, कल जैसा कि आपके साथ मैंने किया है शेयर इसको फेशियल को, मेडिकेटेड फेशियल को, काफी लंबी चौड़ी वीडियो बन गई थी, तो आज मैं चाह रही हूँ को शॉर्ट सी वीडियो आपको मेकअप बता दूं उन्हीं बहनों के लिए जो बहने घर में रह के मेकअप करना चाहती हैं और अपनी पार्टी अटेंड करना चाहती हैं, शादी की हो किसी तरह की भी हो। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि थोड़ी सी चीजों से चटपट मेकअप करना है, कैसे करके घर से जाना है और अच्छे भी लगना है, ठीक है? तो ये है हमारा, सबसे पहले बता दूं आई शेडो, और ये है हमारा फाउंडेशन, और उसके बाद ये है हमारा फेस पाउडर। बाकी ये चंद चीजें हैं, लिप लाइनर, पेंसिल की जगह यूज कर सकते हैं लिप लाइनर, और ये ब्रश, और ये है हमारी लिपस्टिक। दो तरह की लिपस्टिक है, शेड बनाना है हमने कौन से कलरों के लिए। और ये हमारा क्लेंजिंग क्रीम, ये हमारा प्राइमर, ठीक हो गया। तो ये है हमारी चीजें सारी आज की मेकअप के लिए, शॉर्ट सी चीजें। तो शॉर्ट सी चीजों से हमने मेकअप करना है अच्छा और बहुत जल्दी, ठीक है? तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये मैंने लगा लिया है इसके ऊपर, देखते सबसे पहले क्लेंजिंग कर ले हल्की सी, हमने शॉर्ट और मारना है, लंबी वीडियो हमारे मोबाइल पे नहीं चलती, फिर बहुत सारा सारा दिन गायब हो जाता है। ये हमारा हो गया वो। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना ताकि हमारी बेस स्लिप ना हो, ठीक है? ये हो गया, हमने एक जैसा मेकअप करना पूरे फेस पे और पूरी नेक पे, पूरे अपने हाथ पाँव पे, ताकि डिफरेंट ना लगे। ये हमारी होगी बेस, ये हमने ऐसे, ये मैं उन बहनों के लिए लगा रही हूँ जो हमारे मेरी एज की तकरीबन 60 के करीब 60-50 के करीब होती है ना, उनके लिए ये मेकअप बेस्ट है, ठीक है? ये हमने ऐसे कर लिया इसको पहले, अब हम जल्दी से इसको कर लेंगे इक्वल, ठीक है? हाथ जल्दी हिलाना है क्योंकि हमने सबसे पहले पहुंचना होता है शादी हाल पे, जो घर की ऑनर होती है उसको बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, जरा सी देर फेर हो जाती हैं। तो ये लो जी, ये हमारी सब जो बेस बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम उतनी देर अपनी आईब्रो बना लेंगे, ठीक है? ये आईब्रो के लिए मैं करूँगी लाइट से, इसको लाइट हाथ से लेके जाना, अपने बारीक हाथ से नहीं लेके जाना, निशान ज़्यादा नहीं, डार्क रहनी चाहिए बस इस तरह से, ठीक है? इधर की मेरी थोड़ी सी लाइट है, ठीक है? ये हमारी होगी आईब्रो, ठीक है? अब आपको मैं बताऊं कि अब मैंने क्या करना है। अब मैंने जल्दी से आई शेड, ये जो मैं मेकअप सिखा रही हूँ ना, ये पता कौन से कलर पे है, रेड ब्लैक और स्किन कलर, और उसके बाद ऑफ व्हाइट कलर है। ये चार कलर के सूट जो आप पहनती ही होंगी शादी पे, पहनेंगे इनमें, तो ये उन पे जबरदस्त कलर है, इंशाल्लाह सारे बहुत तारीफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाते हैं ये वाइट पाउडर, ठीक है? सफाई हम एंड पे करेंगे, पहले हम रफ रफ कर लेंगे, हाथ से ज्यादा इजी लग जाता है और जल्दी लग जाता है, ठीक है? ये लो जी, ये हो गया हमारा हाथ वाला मेकअप, इधर का थोड़ा ज्यादा हो गया, इधर का थोड़ा कम हो गया, तो हम इक्वल करके फिर चलें, ठीक हो गया? तो अब हम इसी को थोड़ा सा शेड देंगे एंड पे, थोड़ा सा हम इन जो कलर मैंने चूज किए हैं उन कलरों के लिए हम ये करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, लाइट देर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है, इसलिए कि हमने सबसे पहले पहुंचना है अपनी मंजिल पे, जाके मेहमानों को अटेंड करना है। मुझे यही फिक्र होती है कि किसी को बात करने का मौका ना मिले कि हम लेट हो गए हैं, घर वाले होकर तो जी लेट हो गए हैं, इन्होंने हमें रिसीव भी नहीं किया आगे आगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा वो वाला मेकअप। अब हम करेंगे
क्योंकि शादियों पे थोड़ी चमक दमक भी देखी जाती है, जिसके लिए हम चाह रहे हैं ये चमक दमक भी जरूर दिखाएंगे। ये देखो ये कलर मैंने बता दिया ना कौन कौन से आपने इन इस यानी मेकअप के साथ पहने हैं कपड़ों में, इनमें आपने चार कलर पहने हैं। ठीक है, ये देखने में डार्क लगता है, अभी वो लाइट हो जाएगा। ठीक, टेंशन नहीं लेने का, कभी कभी काम जल्दी करना होता है ना, फिर देखने में लगता है जैसे राशि है, मगर वो बहुत अच्छा हो जाता है बाद में। तो हम इसको करेंगे नीट एंड पे। तो अब हमारा क्या रह गया है जी, हमारी रह गई है, मैं तो आईलाइनर की जगह पेंसिल लगाती हूँ, आप पता नहीं क्या लगाते होंगे, बूढ़ी आंखों पे आंख लंबी करनी है हमने थोड़ी सी, तो इसको हमने फिर बाद में मच कर लेना है। ये ले जी, इसको हमने आंख थोड़ी सी लंबी ले जानी है, इसको हमने बाद में क्या करना है, इसी तरह थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है जी, माशाल्लाह मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। अब डिपेंड करता आप लोगों पे, ठीक हो गया, पसंद है अपनी अपनी। तो अब मैं जल्दी से क्या करूंगी, जल्दी से लगाऊंगी अपने मैं आईज के अंदर थोड़ी सी, बल्कि आईज के नहीं आईज के बाहर लगाऊंगी ब्राउन कलर में ये वाली पेंसिल। ठीक होगी, आंख मेरी थोड़ी बड़ी बड़ी होगी, तो अब मैं इसकी कहते हैं पूछल नहीं बनानी, सिर्फ आंख लंबी करनी है। ये देखो ऐसे, ये आंख लंबी होगी थोड़ी सी, ये भी आंख लंबी होगी थोड़ी सी, ठीक होगी। हाँ, तो अब हमने इसमें जल्दी से लगाना है फेस पाउडर, ताकि हमारा 10 मिनट में मेकअप रेडी हो जाए। मैं आज थोड़ा शाइनर वाला लगा रही हूं, ये मेरी उम्र की बहनें बड़ा इजी होकर मेकअप करके जा सकती हैं सबसे पहले और सबसे अच्छा। ठीक है, इसमें हमने देनी कौन सी लुक है वो अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक हो गया, ये देखें, ये नेक पे मैं करूंगी कपड़े पहनने से पहले। ये हम अभी इसको करते हैं डन। अंडरलाइन, अंडरलाइन के बाद हम क्या करते हैं, ये हमने जो ब्लश लगाना है पहले हमने यहाँ पे शाइनर करना थोड़ा सा, ठीक हो गया, लाइट से कलर में शाइन करेंगे ये वाला, उसके बाद हम करेंगे ये वाला। ये कलर मैंने बता दिया अपने कौन से कलरों पे ये कलर चलना है, चार किस्म के कलर है जिन पे ये आपका कलर मेकअप का चलेगा। ठीक है, ब्लैक, रेड एंड वाइट एंड स्किन कलर। ठीक है, ये लो जी, अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे बालों पे थोड़ा सा स्टिकिंग का आजकल फैशन चला हुआ है, तो आपने क्या करना कि चंद बाल पकड़े हैं इनको आपने ऐसे, ये क्या पकड़ा है मैंने, ये मैंने लिया है गोल्डन यानी के गोल्डन शाइनर, गोल्डन शाइनर लेके आपने इसको हल्की सी हमने लगा लेनी जेल, जेल तो होती है हर घर में ना, हर घर में जेल होती है, तो जेल लगानी है आपने हल्की सी, और आपने ये बाल पकड़े चंद ऐसे कर लिया, यहाँ से फिर आपने चंद बाल पकड़े हैं, आपके तो लंबे हो गए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे ये हो गए, फिर आपने यहाँ से चंद बाल पकड़े हैं, आपने इसको टच क्या देना है स्टिकिंग का। ठीक है, ये आपकी स्टिकिंग का टच इतना अच्छा आ जाएगा कि जो लगेगा जैसे स्टिचिंग हुई है, स्टिकिंग हुई है। ठीक है, सॉरी जल्दी जल्दी मैं दिखा रही हूँ ना, तो फिर वो जल्दी जल्दी में तो ऐसे ही होता है काम। ये देखो ये कैसा लग रहा है, ये देखो, ठीक है, ये आपका स्टिकिंग का लुक आ जाएगा। सिर्फ आगे कर लें बिशक बिशक, एक दो इधर भी आप करना चाहें तो कर सकती हैं, इसी तरह शाइनर को थोड़ा सा लगा के
ये लो ऐसे इधर भी कर सकती हैं, यानी कि इधर आगे भी कर सकती हैं। इतनी अच्छी लुक आ जाएगी इससे आपकी कि बेजा बेजा हो जाएगी। ठीक है, तो हम अब हम जल्दी से लगाते हैं क्या भला। ये लाइए, इसको हमने एक दफा अपनी फिंगर के साथ ही ना ऐसे सेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने इसको डबल कोट करना, डबल कोट, डबल कोट आप, हाँ इसी से सही है। आप चाहें तो इस पे हर किसी गोल्डन लिफ्ट भी है मेरे पास, अगर आप चाहें तो, ये वाला शाइनिंग के लिए। कैसी, यकीन करें ये मेकअप आपसे पूछे ना कि कहाँ से करवाया है तो फिर मुझे कहना। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ फिर किसी से अच्छी सी वीडियो में। आप लशन थोड़ा सा तेज कर लेना, तो क्योंकि आपका वहां जाने तक ना जो है ना लशन वो थोड़ा सा इतना सा तेज कर लें आप। इतना जबरदस्त शेड है ये देखिए, आप इधर भी लगा लें, इधर भी लगा लें, हल्का सा लगाना था। मुझे तो वो अच्छी नहीं लगती, लाल तोते की तरह चूं जो कर लेते हैं। तो ये देखिए बालों में मेरे स्टिकिंग भी आ गई, क्योंकि शादियों में ये चमक दमक अच्छी लगती है। आजकल की शादियों पे चमक दमक, रात की शादी हो तो बहुत अच्छी लगती है जी। कैसा बताएं फिर मैसेज करके। अच्छा मैंने तो किया है जल्दी जल्दी में, अगर कोई कमी पेशी इसमें रह गई है तो आप इसको आसानी से दूर कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप इसमें मजीद चमक और लाना चाहें तो आप थोड़ा सा यहाँ यहाँ और ऐसे ला सकती हैं। ठीक है, ये देखो, ठीक ऐसे तक, यहाँ तक, क्योंकि ये चीज़ आजकल काफ़ी इन है, ये चीज़ आजकल काफ़ी इन है। ठीक है, नौ जी, अब आप कोई कमी इसमें आप बाद में पूरी कर सकती हैं। ठीक हो गया, ओके, तब मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। ब्रेक के बाद अपनी दुआओं में याद रखना, कमेंट में भी बताना कि कैसा लगा मेकअप मेरा आपको, और मैंने जो फेशियल बताया था वो कैसा लगा। और दुआओं में याद रखना। फी माने लल्ला फीस, मिलते हैं ब्रेक के बाद।